जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो सेवन क्लास में मैं इधर जाता था ट्रॉनिंग करके, तो लोग मुझे देखते थे, बच्चे मुझे मजाक उड़ाते थे, अलग अलग पास से कहते थे कि मारूँ है या ये इससे भी चल जाए, टीचर अलग तरीके से बेहेव करती थे, मतलब हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था। क्या हम इस माशरे के हिस्से नहीं है? हमारा हक नहीं है? अब स्कूल में अगर टीचर का ही प्रोटोकॉल दिया जाती है, वो ज़्यादातर तो स्कूल में ये होता है कि सीढ़ियाँ बनी होती है, हमें नीचे बैठा दिया जाता है, सीढ़ियाँ बनी होती है कि हम जान सकते हो। जब मैं बैठ कर मैं ऊपर जाता रहा, मैं चौथे मंजिल में जाता रहा, ऊपर जाकर मेरी क्लास ऊपर होती थी, तो मैं चौथे मंजिलों में इसी तरह ट्रेनिंग करके ऊपर जाता रहा, तो वहाँ पर जाकर मैं एडमिशन लेता था। उसके बाद जब मैं वहाँ पर घर आता था, मतलब बिहेवियर होता है ना लोगों का या टीचरों का या प्रिंसिपल का या सर का, वो अलग तरीके से होता है। ये आप स्कूल क्यों आ रहे हैं? बहुत अगर मेरे पेरेंट्स को घर में बुलाया था कि इस बच्चे को प्राइवेट कोचिंग दिया जाए, इस बच्चे को प्राइवेट पढ़ाया जाए, आप यहाँ तो स्कूल पर आते हैं, स्कूल का माहौल ख़राब होता है, बच्चे सब उसको देख रहे होते हैं जैसे कि कोई नया जंगल में नया जानवर नहीं आया था, लोग फोकस कर रहे होते हैं, अगर मैं बैठ के चलूँ तो लोग इसी तरह मुझे देख रहे होते हैं। क्यों मैं, क्या हम लोग क्या इंसान नहीं है? अगर हमारे साथ डिसेबिलिटी जुड़ी हुई तो हम लोग इंसान नहीं है क्या? ऐसा नहीं है मैम। मुझे मैं आपको बता रहा हूँ मैम, मुझे ये माशरा है एशिया, ये एशिया के अंदर जितने मुबालिक आते हैं इंडिया पाकिस्तान में, और ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर डिसेबिलिटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है इस पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर लोगों को इस तरीके से समझा जाता है कि अगर कोई मासूम है तो वो यकीनन भिखारी होगा, या तो फिर अफसोस के साथ दीदी को भिखारी होगा या पैसे डाल देंगे इस तरीके से। ये इस नजर से हम पत्थर पर डिसबिलिटी को अपराध और मामलों को देखा जाता है। आज आपको मैं बताऊं, हमारे साथ जो टीम मौजूद है ये बहुत छोटी टीम है, क्योंकि मैं सब लोगों को नहीं ला सकता। यहाँ पे मैं आपको तारीफ करवाता हूँ, फरहान मोहम्मद फरहान वहाँ पर, ये माना था आई टी की कोर्स है, और एटेक के अंदर बच्चों को टीचर ही करते आते हैं, पर्सन पर डिसबिलिटी है, वो डिसबिल है बच्चों के अंदर, डिसेबिलिटी बच्चों को सारे वहाँ पर वो पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पे मैं इनसे बात करवा दूँ आपको, समय चार अपनी डिसेबिलिटी को लेके, समय शायद जो है वो अपनी डिसेबिलिटी को लेके आगे लाइफ में सर्वाइव करी, उसके बाद ये डिजिटल मार्केटिंग का नाम करिए, आज घर में बैठे ही वो 30 से 35 हज़ार में काम करती है मुख्तलिफ कंपनियों के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में एजुकेशन नहीं होता। अब मैं आता हूँ महान के पास, हमारे पास वहाँ मैंने जो हर साल मेडिकल में टॉप पर यूँ को डॉक्टर बन रही है, वो डॉक्टर बन गई आज हमारे साथ साथियों के वहाँ, और वैसे जो आज उसका पेपर था सिंगिंग मुझे मैंने कहा सर बहुत मुश्किल होगा, मैंने नहीं चलो सर, तो आज वो भी हमारे साथ आई हैं, तो मुरैसी हमारे साथ मौजूद है, वो भी डिसेबिलिटी के साथ इंटर कर चुका था। ये भूल लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, समय से आगे तक जब वो बैठी हुई थी तब उसके साथ डिसेबिलिटी जुड़ी, उसके बाद भी उसने अपनी लाइफ को आगे रोका नहीं, अपनी लाइफ को रोका नहीं, उसके बाद अपनी बड़ी डिप्रेशन में चली गई, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने अपनी लाइफ को निकाला, बाहर डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया, फिर आगे जाके तो और आज देखिए माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करती है, लोगों को ऑनलाइन सिखाती थी और ऑनलाइन अर्निंग भी करती है, मुख्तलिफ कंपनियों का डिजाइन कर रही होती है और घर बैठे ही 40 से 45 हज़ार का काम कर रही होती है। और मैं आता हूँ ये मुदस्सिर की बात, मोहम्मद मुदस्सिर है, इनके साथ 3 साल पहले ये डिसेबल हुए, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कैप पहना हुआ लड़का है, 3 साल पहले डिसेबल हुए, एक फर्स्ट ईयर में था ये, इनकी हादसे की वजह से डिसेबल हो गया, हाँ इनकी डिसेबिलिटी है कि उसने बोले वो सॉरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये डिसेबिलिटी क्या होती है, बट ये अभी इस वक्त मोटिवेट स्पीकर है और मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर जाके, मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाके बच्चों को स्पीच दे रहे होते हैं और उनको ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो जो डिसेबल लोग होते हैं उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं कि पर्सन में डिसेबिलिटी अपने साथ डिसेबल को लेकर लाइफ में सर्वाइव क्या कर सकें और आगे कैसे बढ़ सकें, आगे अचीवमेंट कैसे कर सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे होंगे, अब आप बताइए अगर हम लोग ज़बरदस्ती एजुकेशन नहीं करते या हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते तो आज हम इस मकाम में पहुंच सकते थे? आप लोग ये बात बताइए, आज आप लोग से ये बात करने का मकसद ये है कि आप लोग ये बात बताने का सिर्फ इसलिए मकसद है कि ये लोग जो आगे बढ़ सकते तो इनको सपोर्ट करें, ऐसे बहुत सारे पर्सन बाय डिसेबल लोग अफराद का मामलों को अपने घर के अंदर मौजूद है जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं और टाउन के अंदर
एक इराक दूंगा जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर उनका अवेयरनेस दूंगा, उनका एजुकेशन दूंगा, फ्री एजुकेशन दूंगा, फ्री कंप्यूटर स्टेट दूंगा, उनके लिए मुफ्त स्टेट दूंगा ताकि वो अपनी लाइफ में आगे ट्रीटमेंट कर सके और पर्सन विद डिसेबिलिटी की डिसेबिलिटी को लेकर अपनी लाइफ में संभाल कर सके और अधिकारी नंबर अपनी मदद आप भी दे गुजारे। मेरा मकसद ये है कि अपराध आदमी का काम करने का मकसद यही है ताकि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को आगे लेके चले और उनकी लाइफ में ट्रीटमेंट हो। और माशाल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी इस वक्त मेरे साथ 150 लोग और अभी काम करने मौजूद है 150 लोग जो अपराध आदमी है जिनको ये भी नहीं पता होता है कि डिसेबिलिटी होता है क्या, उनको ये पता है कि हम आदमी हो, उनको ये अल्फाज नहीं पता है कि डिसेबिलिटी होता है क्या। पर मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीब में नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बात कहना चाह रही है, कुछ बातें जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक पॉलिसी यूनिवर्सिटी जाकर अफराद माधुर या कोई भी माधुर डिसेबल लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, अगर आप लोग की नज़र में कोई ऐसे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको कॉपरेट करें, उनके साथ उनको अच्छी तरीके से प्रोटोकॉल दें, उनके एजुकेशन में प्रोटोकॉल दें कि वो आने वाले फ्यूचर में हम सब की फ्यूचर बनेंगे, वो इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोग अफेक्ट डालेंगे, आप लोग के फैस डालने से हम जैसे लोग होते हैं वो नर्वस आते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और जो डीमोटिवेट इंसान हो जाते हैं तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और डिसेबिलिटी के वजह से मैं आप लोग से ये बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें आने के टोन के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी का अपराध माधुरी के लिए काम करता हूँ और माशाल्लाह मैं 6 से 7 महीने के 4 महीने से काम कर रहा हूँ जिसमें हमारे बहुत सारे टीम मौजूद है, ये पूरी टीम में भी मौजूद है, ये पूरी टीम नहीं है, बस 10 लोग हैं जिनको मैं आज लेकर आ सका, मैंने टीम हमारी बहुत बड़ी है और बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद है जिनकी टैलेंट आप देखेंगे ना आप बोलेंगे ये बात से कि आप उससे बेहतर हो और मैं साबित करूँगा कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं साबित करूँगा यहाँ पे जितने शख्स बैठे थे मैं उनसे बेहतर नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ अभी भी यहाँ पर बैठे। तो मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ किया है और बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया अपनी लाइफ को, डिसेबिलिटी को लेकर बहुत सारी सख्तियाँ सही है और आज भी मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा होता हूँ और उसको लेकर चल रहा होता हूँ और अपने पर्सन पर डिसेबिलिटी को यही देता होता हूँ। शुक्रिया आप सबका बहुत सारा टाइम लेने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ गए।